हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नहीं मानूंगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रात 10 बजे के बाद जलाऊंगा पटाखे, कहते हैं बीजेपी सांसद। बीजेपी सांसद ने कहा, हमारी धार्मिक परंपराएं और त्योहार हिंदू कैलेंडर के मुताबिक होते हैं। मैं दिवाली पर तभी पटाखे फोड़ूंगा जब पूजा खत्म कर लूंगा। पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय ने विवादित ट्वीट किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के दिन पटाखों को जलाने के लिए रात के 8 बजे से 10 बजे का समय निर्धारित किया है, लेकिन उज्जैन के बीजेपी सांसद ने ट्वीट किया, मैं अपनी दिवाली परंपरागत तरीके से ही मनाऊंगा और रात में 10 बजे के बाद ही पटाखे जलाऊंगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक परंपरा में वो किसी की भी दखलंदाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा तो खुशी खुशी जाएंगे। बीजेपी सांसद ने कहा, हमारी धार्मिक परंपराएं और त्योहार हिंदू कैलेंडर के मुताबिक होते हैं। मैं दिवाली पर तभी पटाखे फोड़ूंगा जब पूजा खत्म कर लूंगा। त्योहारों को हम समय सीमा से नहीं बांध सकते, ऐसे प्रतिबंध तो मुगलों के काल में भी नहीं लगे थे, ये स्वीकार नहीं है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जब बीजेपी विधायक विवादों में आए हैं। इसी साल जनवरी महीने में चिंतामणि मालवीय की ताश खेलते हुए तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। उस वक्त कांग्रेस की एक नेता की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा था कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सांसद जुआ खेल रहे हैं। यही नहीं, उरी अटैक में 17 भारतीय जवानों के शहीद होने पर उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखते हुए कहा था कि इनका खून महात्मा गांधी और नेहरू के सिर है। कांग्रेस पे तल्ख टिप्पणी करते हुए उन्होंने पिछले साल गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी के कई मंदिरों में जाकर पूजा करने पर कहा था कि कहीं कांग्रेस की धर्म निरपेक्षता वैसी ही तो नहीं है जैसा कि सुनते आए हैं कि एक वैश्या ही सबसे ज्यादा धर्म निरपेक्ष होती है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।